नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को बोला था कि निफ्टी जो है अगर 11,405 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करने लगता है तो एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। लेकिन देखिए 418 पे ये ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही यानी जो इसने हाई लगाया ओपनिंग का वही हाई इसका हाई है। देखिए एक पॉइंट से भी वो हाई यहां पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो देखिए ये 400 के ऊपर ये सस्टेन ही नहीं कर पाया और अगले 5 मिनट के अंदर में ये 400 नीचे यानी शुरुआत के 2-3 मिनटों में ही ये 370-380 के पास आके ट्रेड करने लगा और कंटिन्यू उसके बाद नीचे की तरफ ये ट्रेड करते रहा। तो मैंने नीचे की तरफ आप लोग को बोला था कि 350 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हमारा टारगेट इस पे होगा जो 310 का होगा और उसके बाद हमारा टारगेट 270 का। तो देखिए दोनों टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हो चुके हैं और ये नीचे की तरफ आके इसने क्लोज किया है 12,224 के आसपास में निफ्टी ने आके क्लोज किया है और आज का जो लो लगा है वो 12,217 का यानी लोवेस्ट पॉइंट के आसपास हमने आके क्लोजिंग दी है। तो मैंने एक बात कल के वीडियो में आप लोग को बोली थी कि बड़ी मूवमेंट हो सकती है निफ्टी में। तो देखिए बड़ी मूवमेंट यानी बड़ी मूवमेंट इसी को बोलते हैं हम कि यहाँ पे देखिए 4 कंपनियों के निफ्टी के रिजल्ट थे जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट ठीक ठाक थे, इन लाइन थे। तो मार्केट को कुछ ज़्यादा उस पर उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन होकर सस्टेन करेगा। उसी तरह से HDFC बैंक के प्रॉफिट बहुत अच्छे थे लेकिन थोड़े से जो मार्जिन थे जो NPA था वो उनका बड़ा था। तो मैंने ये भी बोला था कि ये गैप अप ही ओपन होगा और 250-300 पॉइंट बैंक निफ्टी को गैप अप ओपन करेगा तो उसमें भी वही हुआ और वहाँ से उसका भी जो रजिस्टेंस था 1305 का उसने रजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया, बिल्कुल 1304 पे ओपन हुआ और जहां पे ओपन हुआ वहीं से वो नीचे आना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए मैंने आप लोग को बैंक निफ्टी में पुट वहां पे दी थी जो पुट हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव करके यानी पुट हमारी आज ही 93 वाली पुट 190 का उसने हाई लगाया। उस पुट ने आज क्लोजिंग के पहले उसने 190 का हाई लगाया। तो देखो चीजों को समझना पड़ता है, यहां पे आंख बंद करके ट्रेडिंग से कुछ नहीं होगा या वन वे व्यू बनाने से। बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेडिंग इंट्राडे करनी है तो बिल्कुल आपका वन वे व्यू होना ही नहीं चाहिए, आपका व्यू बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। अपने लेवल पे फोकस कीजिए, आपका लेवल ही आपको पैसा बना के देगा। अगर आपने वन वे व्यू यानी वन व्यू बना लिया कि मुझे सिर्फ बाइंग ही करना है, अगर इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं किसी स्टॉक्स में है तो भी अपने लेवल को आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मुझे, मैं बायर भी हूं तो मुझे इसी लेवल के ऊपर बाइंग करना है, इसके नीचे मुझे कुछ नहीं करना है या इस लेवल के नीचे मुझे सेल करना है। कंटिन्यू एक डिसाइड फे में रहोगे आप, न्यूट्रल रहोगे इंडेक्स पे तो हमेशा इंडेक्स में आपको पैसा बना सकते हो। अगर इंडेक्स में आपने कोई व्यू लेना है तो अच्छे ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस के साथ में आप वन वे व्यू लो तो वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं हमेशा लेवल को आपको बताता हूं कि लेवल के ऊपर ही आप यहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए काफ़ी बड़ी मूवमेंट हुई है आज। देखिए 11,418 से हम आ गए 11,224 पे। तो यहाँ पे देखिए जो मूवमेंट हुई है लगभग मूवमेंट यहाँ पे 200 पॉइंट की निफ्टी में मूवमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए 12,200 पे एक सपोर्ट है, अगर 12,200 को ब्रेक करता है तो हम 12,130 के पास यहाँ पे आ सकते हैं निफ्टी में। फिर निफ्टी ये बीच में रुकेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा 12,200 के नीचे हम जैसे क्लोज करना स्टार्ट करेंगे तो फिर निफ्टी यहाँ पे 12,120-130 के पास में आके फिर रुकता हुआ आपको दिखेगा। रुकने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इंट्राडे में ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इंट्राडे में ये ऊपर नीचे जा सकता है लेकिन फिर व्यू इसका नीचे का ही हो जाएगा और फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के पास में आके रुक सकता है। अगर इस पे भी नहीं रुका तो फिर निफ्टी और नीचे की तरफ मूव कर सकता है लेकिन पहला सपोर्ट हमारे पास 12,200 है। अगर इसको बाउंस बैक लेना है तो कल 20-30 पॉइंट नीचे आके यहीं से ये बाउंस बैक ले लेगा और नहीं तो फिर ये अगर इसको ब्रेक करके कंटिन्यू ट्रेड करने लगा तो इंट्राडे में ही 12,170 और 150 के लेवल आपको इंट्राडे में दिखाता हुआ निफ्टी यहाँ पे नजर आ सकता है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को नीचे की तरफ लाने में मदद करेंगे। पहला स्टॉक्स हमारा अदानी पोर्ट, देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाया, मैंने बोला था ट्रेंड लाइन के ऊपर और उसके बाद 395 के ऊपर क्लोज करेगा तो हम एक मूवमेंट देख सकते हैं लेकिन ऊपर की तरफ इसने क्लोज नहीं किया। एशियन पेंट रेजिस्टेंस के ऊपर है लेकिन काफी अच्छी मूवमेंट हो चुकी है तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे प्रॉफिट बुक आप जरूर कीजिए क्योंकि देखिए ये स्टॉक 1600 से 1900 आ चुका है, सॉरी 1860-1870 तक आ चुका है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए
या फिर लास्ट डे के क्लोज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बस दो ही चीजें यहाँ पे हैं। बजाज ऑटो मेरा व्यू अभी न्यूट्रल है। बजाज फिंसर देखिए ऑल टाइम हाई इतने आज भी मारा है, लेकिन आज यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है छोटे टाइम फ्रेम में, तो शायद अगर इसके कल लो को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की साइड में देख सकती है। बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी बेरिश इनगल्फिंग काफी बड़ी बनी है, लेकिन इसे 3-4 दिन के कैंडल को कवर कर लिया है तो यहाँ पे हमारा कोई व्यू अभी नहीं रहेगा। भारतीय एयरटेल हमारे 472 के बाद देखिए कंटिन्यू आज हाई मार रहा है, और ये कल भी अगर हाई को निकालेगा तो कल भी इसमें आप मूवमेंट ऊपर की तरफ ही देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगला स्टॉक से हमारा बीपीसीएल, यहाँ पे हमारा कोई व्यू नहीं है। ब्रिटानिया में भी अभी कोई व्यू नहीं है, इंतजार कीजिए। सिप्ला इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ही है, तो इसको ऊपर या नीचे जिस साइड ब्रेक करेगा तब हम देखेंगे, तो अभी ये ट्रायंगल पैटर्न को हम थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, और यहाँ भी इसके ऊपर क्लोजिंग यानी 490 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही हमारी मूवमेंट ऊपर की साइड में होगी। कोल इंडिया रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वापस नीचे की तरफ ये स्टॉक चल चुका है, तो यहाँ पे मेरा कोई व्यू नहीं। डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे रहा है, लेकिन ये कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंड आपको नहीं करूँगा अभी। आइसर मोटर यहाँ पर भी कोई खास व्यू नहीं है। गेल में अब नज़र बना के रखिएगा, गेल थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर मिल सकती है। ग्रासिम कंटिन्यू इसके ऊपर क्लोज कर दिया है, कल अगर हाई के ऊपर निकालता है यानी 780 के ऊपर निकालेगा तो शायद 787 के लेवल आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। यहाँ पे ये क्या हो गया, सीएल टेक में एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई स्प्लिट में, देखते हैं इसको। तो देखिए इसको मैंने बोला था कि 600 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता था, लेकिन ये भी गैप अप ही ओपन हो गया। इंपॉर्टेंट ये होता है कि नीचे से जब जाता है तो पैसा लगते हुए लोगों का जाता है, तो ज़्यादा भरोसा ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाँ यहाँ से पैसा लगते हुए ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। ये भी देखिए ऊपर ओपन हुआ, 612 पे ओपन हुआ, और वही इसका हाई लगा और वहीं से नीचे की चलाया। मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा अच्छा होता तो रिजल्ट इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तो मुझे उम्मीद थी कि ये 620-625 के लेवल ये इंट्राडे में दिखा सकता है, लेकिन ओपनिंग के देखिए इंपॉर्टेंट होता है कि ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करे, ओपनिंग रेंज को ब्रेक करे, तो सारा पैसा अगर ओपनिंग में ही निकलना स्टार्ट हो जाता तो बड़ी मूवमेंट यहाँ पे हमें नहीं मिलती है। अगला स्टॉक से हमारा हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे मेरा अभी कोई व्यू नहीं है। हिंडाल्को पे अब नजर बना के रखिए, मुझे लगता है हिंडाल्को अगर 205 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये 200 लेवल आपको दिखा सकता है। हिंद पेट्रो इंतजार कीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आज की कैंडल यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है, ये लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनी है, तो कल थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, नीचे की साइड में एक मूवमेंट शायद देखने को मिल सकती है अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है। आज के लो के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो इस हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को पोजिशनली। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अभी देखिए 300 के लेवल के नीचे ट्रेड कर दिया, और 300 के नीचे हमारा टारगेट इस पर ऑलरेडी 290 और 285 का रहेगा इस पर। इन्फी ये रेंज बना के इन्फी पर नज़र रखिए, मुझे लगता है ये स्टॉक्स बड़ी अच्छी मूवमेंट कर सकता है, अगर ये 780 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट किया तो 820 के पास तक ये बहुत आराम से जा सकता है इन्फी, तो इन्फी पर नज़र बना के रखिए। ITC में भी कुछ नहीं अभी खास है, LNT में भी मेरा व्यू नहीं है। लूपिन तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसके लिए अभी इंतजार कीजिए। M&M जैसा कि हमने टारगेट 600 का दिया है, लेकिन कंटिन्यू मैंने एक बात और बोली है कि लास्ट डे के लो के नीचे क्लोज करे तो निकल जाइए, यानी कल अगर ये 564 के नीचे क्लोज करते हुए दिखे तो निकल जाइएगा यहाँ से। मारुति 7400 के बाद हमने बोला था 7600 के पास तक जा सकता है, तो 7560-75 तक ये गया है यहाँ पे। ONGC कुछ नहीं, छोड़ दीजिए अभी ONGC को। रिलायंस मैंने कल वीडियो भी बनाई थी कि रिलायंस को ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, जब गैप अप ओपन होगा तो आप इसको खरीदिएगा मत, क्योंकि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, तो ये भी रजिस्टेंस के पास ओपन हुआ और नीचे की तरफ चल दिया। जैसे मैंने ये बनाया था कि ऐसे पैटर्न बनाया, तो अब ये ऐसे पैटर्न बनाएगा उसके बाद निकलेगा तब देखेंगे, और 1500 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर ये 1400 के पास तक आ सकता है, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो 1400 के आसपास इसको ले सकते हैं। सन फार्मा इंतजार कीजिए, यहाँ पे टाटा मोटर जैसा कि 200 की प्राइस के आसपास बोला है कि बुक करिए प्रॉफिट, फिर 202 के ऊपर निकलेगा तो फिर हम नया व्यू यहाँ पे बना लेंगे। टाटा स्टील में मेरा अभी कोई व्यू नहीं है। TCS में रिजल्ट के बाद यहाँ भी कोई व्यू नहीं है, अगर ये भी 2140 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये 2080 की तरफ बढ़ सकता है। टेक महिंद्रा अभी वेट कीजिए, टेक महिंद्रा में, टाइटन में भी इंतजारी कीजिए। UPL में मेरा व्यू 600 के ऊपर जाएगा, उसके बाद देखूंगा। वेदांता देखिए मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया था ऑलरेडी 154-155 पे 180 के टारगेट के लिए, लेकिन देखिए ये 166 गया, उसके बाद से नहीं चला, तो जैसे ही स्टॉक्स अगर 150 के नीचे क्लोज करेगा तो निकल जाइएगा इससे। विप्रो में कोई खास मूव मुझे नहीं दिख रहा अभी।
जील में भी कुछ खास मूव नहीं है। HDFC लिमिटेड ये देखिए कंटिन्यू 2450 के आसपास है, आज के लो के नीचे अगर निकलता है कल तो इसको शॉर्ट कीजिएगा 2420 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट हमने बता दिया, एशियन पेंट का तो इंफ्रा टेल में आज अच्छी मूवमेंट हो गई थोड़ी सी, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। JSW स्टील का भी शायद बता ही दिया हमने, अल्ट्राटेक बच गया है, तो अल्ट्राटेक में अगर 4400 के नीचे ट्रेड करेगा अल्ट्राटेक सीमेंट तो यहाँ पर भी 100 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हमें निफ्टी कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेल करना है। दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो फरवरी बैचेस हैं उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो जो भी फरवरी बैच के लिए ऑनलाइन इंटरेस्टेड हैं वो हमारे नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन का अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम बेंगलोर में 16 फरवरी को होगा और पुणे में 29 फरवरी को, तो जो भी सज्जन बेंगलोर और पुणे के लिए इंटरेस्टेड हैं वो फटाफट अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हमारे नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि हमें निफ्टी कहाँ पर बाइंग और कहाँ पर सेल करना है। दोस्तों हमें निफ्टी बाइंग करना है 12250 के ऊपर निकलेगा तब हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12280 का, सेकंड टारगेट होगा 12310 का और थर्ड टारगेट होगा हमारा 12340 का, स्टॉप लॉस होगा हमारा 12220 का। अगर ये नीचे की तरफ 12200 को ब्रेक करता है तो हम इसे सेल करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12170 का, सेकंड टारगेट होगा 12140 का और थर्ड टारगेट होगा 12110 का, स्टॉप लॉस होगा हमारा 12230 का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।